देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट, कुपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठकर कवच पहनकर जहां तहां गाल बजाने लगे। कोई कहते हैं, सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी, यानी पूरी होगी। हमारी जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है? यदि जनक कुछ सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज्ज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। अरे, तुम्हारा बल, प्रताप, वीरता, बड़ाई और नाक यानी प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है? ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख लगा दी। ईर्ष्या, घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही
क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे, लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति यानी मोक्ष चाहे, हे राजाओ सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गई। तब सखियां उन्हें वहां ले गई जहां रानी यानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के वश हैं कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ नहीं बोलते। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गई और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय सियाराम।